स्काई न्यूज़ पंजाब ते इस वेले दी वड्डी खबर एसटीएफ दी सीलबंद रिपोर्ट ते आज फिर सुनवाई टल चुकी है। इस वेले दी सब तो वड्डी ते अहम खबर तुहानू दस रहे हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एसटीएफ दी सीलबंद रिपोर्ट ते आज सुनवाई होनी सी। उम्मीद जताई जा रही सी कि आज स्पेशल बेंच दे वल्लों इस पूरे मामले दे उत्ते फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन एसटीएफ दी सीलबंद रिपोर्ट ते आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सुनवाई टल चुकी है। दसिया जा रहा है कि जस्टिस अजय तिवाड़ी ने खुद नू इस केस तो अलग कर दिता है, जिसके कारण यह जिहड़ी सुनवाई है टल चुकी है। तो हुण जल्द ही चीफ जस्टिस नवी बेंच का गठन करनगे, जिथे एसटीएफ दी सीलबंद रिपोर्ट ते फिर तो सुनवाई होवेगी। तुहानू दस दईए कि यह पूरा मामला करीब 6,000 करोड़ के ड्रग रैकेट के नाल जुड़िया होया, तो लगातार हर एक सियासी धिर दे वल्लों यह अपील की जा रही है। खास तौर पर जेकर गल करिए पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की, तो वह लगातार पंजाब सरकार तो मंग कर रहे हैं कि एसटीएफ की जी सीलबंद रिपोर्ट ड्रग रैकेट मामले में लैके हाईकोर्ट के पई हुई है उसनू ओपन किया जाए, उसनू जनतक किया जाए। लेकिन इस विचाले जो अज एसटीएफ की इस पूरे मामले के जी सुनवाई होनी सी सीलबंद लिफाफे लैके कहा जा रहा है कि स्पैशल बेंच अज कोई फैसला सुना सकती है इस रिपोर्ट को पढ़न तो बाद, तो फिर सवाल यह है कि आखिर कदों यह एसटीएफ की पूरी रिपोर्ट जनतक होगी, क्योंकि अज उम्मीद लगातार यही जाहिर की जा रही थी कि अज कोई वड्डा फैसला आ सकता है। खास करके नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते दिन इस पूरे मामले को लैके ट्वीट भी किया। स्काई न्यूज़ पंजाब ते इस वेले दी वड्डी खबर एसटीएफ दी सीलबंद रिपोर्ट ते आज फिर सुनवाई टल चुकी है। इस वेले दी सब तो वड्डी ते अहम खबर तुहानू दस रहे हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एसटीएफ दी सीलबंद रिपोर्ट ते आज सुनवाई होनी सी। उम्मीद जताई जा रही सी कि आज स्पेशल बेंच दे वल्लों इस पूरे मामले दे उत्ते फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन एसटीएफ दी सीलबंद रिपोर्ट ते आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सुनवाई टल चुकी है। दसिया जा रहा है कि जस्टिस अजय तिवाड़ी ने खुद नू इस केस तो अलग कर दिता है, जिसके कारण यह जिहड़ी सुनवाई है टल चुकी है। तो हुण जल्द ही चीफ जस्टिस नवी बेंच का गठन करनगे, जिथे एसटीएफ दी सीलबंद रिपोर्ट ते फिर तो सुनवाई होवेगी। तुहानू दस दईए कि यह पूरा मामला करीब 6,000 करोड़ के ड्रग रैकेट के नाल जुड़िया होया, तो लगातार हर एक सियासी धिर दे वल्लों यह अपील की जा रही है। खास तौर पर जेकर गल करिए पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की, तो वह लगातार पंजाब सरकार तो मंग कर रहे हैं कि एसटीएफ की जी सीलबंद रिपोर्ट ड्रग रैकेट मामले में लैके हाईकोर्ट के पई हुई है उसनू ओपन किया जाए, उसनू जनतक किया जाए। लेकिन इस विचाले जो अज एसटीएफ की इस पूरे मामले के जी सुनवाई होनी सी सीलबंद लिफाफे लैके कहा जा रहा है कि स्पैशल बेंच अज कोई फैसला सुना सकती है इस रिपोर्ट को पढ़न तो बाद, फिर सवाल यह है कि आखिर कदों यह एसटीएफ की पूरी रिपोर्ट जनतक होगी, क्योंकि अज उम्मीद लगातार यही जाहिर की जा रही थी कि अज कोई वड्डा फैसला आ सकता है। खास करके नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते दिन इस पूरे मामले को लैके ट्वीट भी किया।